बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आप बड़ा सुंदर चक्कर सुन रहे थे किशन शर्मा एंड पार्टी खिच्चो आटे वालों की तरफ से। वाह एंड शक्तिमान। नंबर को पहले सुनो, उसके बाद अपने अंदर ये धारण करो ये सही कह रहा है या ये सही कह रहा है। जाते जाते बोल गए, अच्छा तुम ही कह दे हो। अरे चुप बैठ जा मां, हाय हाय कर रहा हनुमान जी आज वो खाड़े तलग अलग कैसे घूम रहे हो। अरे जी हनुमान जी, हनुमान जी कहूं ना है पौआ पी के डोल ले खामा खाजा। हाँ पौआ फौआ पी के रसिया ने मता करो। हाँ लास्ट में बोले राय वालों बदतमीजी से काम नहीं चलता है। लास्ट में आके लास्ट में, क्योंकि इनको पता था पूरे नंबर इनने गाल बजाए राय वाले कछु ना कछु तो किंगे भाई। हाँ ये जो गीत गाया गया था ये जान बचाने के लिए गाया था मुकेश भाई, और वो भी असल असल होती है और नकल नकल होती है। बिल्कुल आपने गीत गाया था अड़ीक अड़ीक के अंदर, रोहितास डीजे साउंड पे चल रहा है हमारा। बिल्कुल आपसे ही कार्यक्रम हो रहा था, जो सगाना हुआ लुगाई का वो सरकार चलाना क्या जाने। मैंने इधर से जवाब दिया था, उसने विश्व पटल पर भारत को अद्भुत सम्मान दिलाए हैं, वो पाकिस्तानी भी भारत से लेकर के, वो पाकिस्तानी भी यूक्रेन से लेकर के तिरंगा आए आए हैं। जब ही तो जो कार्यकर्ता भाई हथकाए बच गए, ये पाकिस्तानी तिरंगा हाथ में हो। हाँ जब ही बच गए ये, नहीं भाई पट्टे मारे जाते। मैं मानता हूँ बुढ़ापे का असर है, जंग मार रही है कलम, जंग मार रही है। हमने तो किस्सा ले गई। उससे पहले आपने कौन सा कीर्तन गाया था ये बताओ। हाँ बदतमीजी की बात कर रहे हो आप। हाँ बूढ़े बाबन की चुम्मा मा, अरे यार ढंग में रहा। 10 रुपए मैंने इसलिए दिए थे तुम्हारी बदतमीजी पर। हाँ 10 रुपया ले जाओ। मैंने कहा आज न जाने क्या हो गया पूरा ये खाड़ा बस्ते है वो। बिल्कुल बिल्कुल लुगाई कह रही है नदिया की पार पे खकार डाल रही है। ओ तेरी खकार और समझे बोलना की पार डाल रही है। मुकेश भैया आए दूध में चेंटी डालेगी। चेंटी सभ्यता देखो ना कि कितनी सभ्यता में दूध में चेंटी डाल रहे। दूध में चेंटी डालेगी, चीटी डालेगी, नीचे ते सीटी मारेगी। आए है तेरो कुकर। बूढ़े बूढ़े बाबन की पप्पी मांग रही है। अब तुम्हें पता फटका इन्होंने शुरू किया है साहब, मैंने कुछ नहीं फटका गया। अगर आप चाहो तो मैं जवाब दूं इनके फटके का, फटके से। हां दे भैया भाई किसी को ऐतराज नहीं होता, मैं दूं फिर आप। हाँ जी पीछे वाले हो कोई परेशानी नहीं भैया, जब तक जान दे जावे को जब तक, जब तो याद करेंगे जब तक। मुकेश भाई चिंता मत करो, इसी नंबर को तुम्हारी लुगाई के घांगरे में तुम्हें ही नहीं घुसा दिया। हमसे पी के मधुआ कौन कहेगा मेरी जानते हैं। हाँ जी बात साहब भाई भगवान आज की रात कैसे पार होगी। देखिए मैं फिर पुनः कह रहा हूं आपसे, पुरस्कार दे कलाकार का सम्मान करें प्रेम से, टच नहीं करे कोई। सुनिएगा आपने एक दोहा लगाया। हाँ था दोहा घास। रसियाबाजी छोड़ के तब खेत में खोदो घास। राय बारे हो तुम्हारा खत्म मसालो है गयो कछु नहीं त्यारे पास। मुकेश भाई हाँ रसा लाए को। हाँ साहब गौर करें हमारे गाने बजाने पे। आप कह रहे थे हाँ जी चाचा रैली मामा कहाँ गए। रैली मामा हाँ बताइए गए। आप कह रहे घास खोदने की, तो किसान का बेटा हूँ। हाँ बिल्कुल भैया भैंसन को दूध पींगो भैंस में रखूंगो तो घास खोदनी पड़ेगी, काम वही करना पड़ेगा। खोदनी पड़ेगी ना खोदनी पड़ेगी साहब।
और तुम्हारी क्या यार, तुम तो बेसरम आदमी हो, चार बकरियां हैं, मंचा जाई मेड़ पे छोड़ देते, रोज पिट रही हो तुम, सुबह जाता तो करो मैं बकरियां ने लेके सुनिए जवाब। अरे रामायण और भागवत ये प्रवचन ऐसे देते हैं कैसे, अरे वेद व्यास और वाल्मीकि मानो ये ही है तुलसी दास, एक बात कह रहे थे कि जे अटल टालवाइन को हनुमान हुए मेरी जान, अगर तुम पे जे अटल टाइल मैंने को हनुमाना तो हमू डल्ला बारी के पट्ठाए जान रखियो। दूसरी बात उन्होंने कही आकाश भाई, हमारे त्यागी जी होटल भाई पुरस्कार दे रहे हैं, कछु जनता में लुटा रहे हैं वो। हाँ तो बोले मुकेश भैया बोले ले लो मिलाई चुवाई ना, बरात में आयो तुम, कम से कम सोच के बात किया करो मेरे यारो, आज पूरा अखाड़ो यार दारू पी के मेरी समझ में ना रही कहा है वो दारू भारू ना है, भांग भांग के चक्कर में आएंगे बालक। त्यागी जी फिर आगे, अरे त्यागी जी पे का कमी है भैया, पुरस्कार दे रहे हैं तो त्यागी जी तुम्हें सिरसागर बनाया था जो। हाँ बहुत सुंदर, भगवान राम से समुद्र फिर कहता है, अरे ख्याल करो मेरी तरफ ये ख्याल करो, अरे देख ख्याल करो मेरी तरफ रे, लगा अनाप के रहे अपना लगा अनाप, हनुमान फिर रहेगो जे तो ऐसे ही रहेगो, मंच पे हाथ मात्र मंच फंज टूट गए टेंट वहां जो ही नहावे ना धोवे कहां से छोड़ दो नहाए के ला करो बेटा। अरे अनाप नहीं हूं प्यारे खिलाफ, छंद को आगे नहीं बढ़ा रहे, वहीं से वहीं घसीट रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि छंद का जवाब नहीं हुआ, हुआ क्या वहां समुद्र के तट पर, अब समुद्र बता रहा है आगे की कहानी क्या बता रहा है, अरे गलत कर रहे तुम मेरे साथ में, अरे देख गलत कह रहे, देख गलत कह रहे, अरे देख मान जाओ गलत गलत मत करो, सुधार में आ जाओ, फकार फकारे मत डरवाओ जाए, अरे देख गलत कह रहे और तुम मेरे साथ में, अरे कर में धनुष धराइया, अरे कर्ण में धनुष धराइए, अरे कर में धनुष धराइए, समुद्र ने सागर पार जाने का यत्न बनाया और भगवान राम को बताया
अरे शिवलिंग की कर लो पूजा अब मेरे मन में भाई रे। अरे शिवलिंग की पहले पूजा अब मेरे मन में छाई रे। अरे शिवलिंग की अभी हमारे मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि ऐसे गल्लारो सरिया मिलसो मेरी जान रसिया माजी और मल्लई सोटा और लंगोटा की होते जाकी छाती में दम होगो वही किल्ला सकते हो तो केवल तैयारी कहाँ है। हम तो भैया औरत खूब बात नंबर का खबर है तुम तो बियर पिवा के काम चला रहे हो बातें। अरे आप और तीनों लोकन में त्यारो ताप अरे तीनों लोकन में त्यारो ताप अरे मन को मेटो सब संताप अरे मन को मेटो सब संताप मेटो सब संताप धन के रक्षक सब संता बन के तुम समुद्र से कह रहे थे कि तू रावण का साथ दे रहा है हाँ। लेकिन आगे क्या हुआ गुरुदेव क्या अरे पूजा कराने बाद शिवलिंग की वो दस कंधर आया है देख पूजा कराने को शिवलिंग की अरे देख वो दस कंदर आया है। जब भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा की है हाँ। राम सेतु से पहले तो स्वयं रावण आया है ब्राह्मण बनकर के करू यहां शंभु स्थापना मोर हृदय परम कल्पना हर बात का प्रमाण है गुरुदेव हवा में बात नहीं होती है स्वयं रावण आया है और रावण माँ जानकी को साथ में लेकर के आया है बिल्कुल संग लेकर बिना पत्नी के पूजन नहीं हो सकता क्या बात है सुनिएगा अरे वो दस कंदर बह आया है वो ही रावण सागर के तट पे माँ सीता जी को लाया अरे वो ही रावण समुद्र तट पे माँ सीता जी को लाया दक्षिण रामायण पढ़ो रामायण सतको टपारा कहने पतो ना है तुमको ये लेख हाँ पतो ना है तुमको ये लेख लेख कर ले बार बार मिस्टेक अरे कहानी आँख खोल के देख अरे कहानी आँख खोल के देख आँख खोल के देख मन के साक्षात ओ कहानी आँख खोल के देख हाँ जी एक मलार आई थी उधर से पहले उसका जवाब फिर इनके गीत का जवाब दूंगा और फिर मेरा गीत सुनना आप हाँ बस सब दिखाओ
हाँ भैया गौर करेंगे। हाँ जी अब आ जा रही है, अब आनंद हुआ मेरे को। लेकिन हो गया है किसी गाने वाले ने रैली काका अब तो है हाथ ना उठा रहे बिल्कुल। 10-5 रुपए बिदा के दो सवेर दे दियो। माँ भांजे को रिश्ता लगे मैं मानतू, पर लेकिन कम से कम नजर तो मत छुपा जाओ, खड़े में आओ मामा तुम आओ। कह रहे डरते कह रहे जे तेने सो तो ना कुछ जगायो री तुम्हें मारे को फुसकार। आ नाक पहलती पहल खकार डाल रहा फुसकार कहां से आएगी भाई। भाई बड़े बड़े कलर ने बदल ले नहीं जाओ करे फिर का खागी पोतो पोते तुम ही खाओ हम भी तो वाह भैया वाह कितनी सभ्यता है। जब कर बल मुनाए हो तो कितना सभ्यता को सब तुलाए फिर का खाती तू पो अपने आप खाओ ठीक है। रोटी ने पैसा बचेंगे जो होटल पर खर्चा है रो गाते आओ हमें कहीं खबर है हमें का भूखे। हाँ जी देख तू रोने वाले और क्या लेगा रे अरे रोने वाले और क्या लेगा रे अलबेले तांगे। टंपू भैया मैं बड़ा परेशान हूँ गाने इतने बुरे बुरे आ रहे हैं। गाना जो सुना रहे हो बादाम बादाम तेरे कच्चा में बादाम काका गानो आ रहे गुरु कच्चा में बादाम ने कच्चा बादाम हाँ जो कछु है सर जब मैं देखो का लेना ये काहरी में दम लंबा तेरी जान कसम ले लंबा मैं कोना ले लंबा तेरी जान कसम दे लंबा बता दे चोरी और क्या ले रही रे अलवेले। ये पुरस्कार आया है हमारे आदरणीय जो बिरजू बाबू हैं चांदी वाले कजरोटी से उनके छोटे भ्राता श्री हैं एक बार ताली बजा करके ताली बजा करके स्वागत करें। और भैया बेटा पैसा खूब देंगे पूरी रात जन के दो दो छोरा इंजीनियर है कोई कमी नहीं है आनंद ले रहे हैं। और नदिया की पार पे खकार डार रही है मैं कुछ कह दूं हां भैया कह दूं गुरु ने कैलेंडर में हुए ज्यादा दे दो थोड़ी सी बेटा इधर की तरह मत खकार फकार डर भैया ना मैं सभ्यता में कहूंगी ठीक है भाई अब चिपके रहने दो अब कुछ और है सुनो देख खुजाती डोले फू भैया फूबरिया सी कबू न्यो कर कबू न्यो कर सुन देख खुजाती डोले फू भैया जाकी खुजली है भाई खुजी ना है। अब एक लाइन की ताली देखियो तुम्हारे कान भरे जाएंगे। हाँ देख अरे खुजाती डोले फू भैया ओए जाकी खुजली है भाई खुजी ना है अरे जाकी खुजली है भाई खुजी ना है जाको बात सुनो तो पूछ गए वे प्रजा की करवा चौथ पूजी करवा चौथ पूजी ना हाँ तो वैसे मालूम होगी तेरी बड़ी बहन सहेली है मेरी देख। हाँ भैया तुमको तो दो लाइन दोनों तो मैं कह दूं मैडम हाँ तेरे काले बाल और लाल गाल तेरे काले बाल और लाल काल तो सकल ते रूढ़ी कर देंगे। अब ये पीछे आ रहे हो तेरे काले बाल और लाल काल तो सकल ते रूढ़ी कर देंगे। और देख तो ये बता रहा हूं और हाथरस वाली को बता रहा हूं हां के तो सकल ते रूढ़ी कर देंगे चिके रहियो कुंवरपुर के बाबन ते नहीं जवानी में बूढ़ी देख। हाँ भैया अब मेन बिंदुओं पे आए इनकी तरह फूफड़ पना नहीं करेंगे
देख कह दू। हाँ भैया एक और कह दू जाती ना कछु लड़ुवंते तेरी लुगाई की कछु सट्ट घट्टसी लग रही है। ऐसा नहीं होगा भैया, तुम पहले बोलोगे मैं बाद में बोलूंगी, पहले तुम बोलोगे। एक एक बात समझ में आए तो आनंद पूरा भरपूर के आनंद ले, फिर मत कियो कि वैसे पैसा खर्चे वो। लड़ुवंते तेरी लुगाई की कछु सट्ट घट्टसी लग रही है, जे कर्म कुल छिड़नारी है मोए कर्म चट्टसी, जे कर्म कुल छिड़नारी है मोए कर्म चट्टसी लग रही है। अरे जे काए रसिया का बेगी, अरे काए रसिया का बेगी मोए भैर भट्टसी लग रही है। कहा जे रसिया का बेगी मोए भैर भट्टसी लग रही है। हाँ भैया आवाज आ रही है पीछे वाले हो, देख अब देखियो ताली और चटक जाएगी प्याली, देख अरे का ये रसिया का बेगी मोए भैर भट्टसी लग रही है, कर्म चट्टसी लग रही है। और मुकेश भैया त्यारो सत्यानाश कराए देगी जे मोए पाम पट्टसी लग रही है। हाँ साहब अब मेन बिंदुओं पे आए, मेरी बहना और अखिया है प्यासी प्यासी, लेकिन मेरे पिया जबते लग गए नो दुर्गा। क्या बज गए भैया हैं? तीन बज गए, आज दो तारीख है गई, तीन है गई, तीन नौ दुर्गा लग गए ना लगे, दो है हाँ दो है, दो तारीख थी तो लगेंगे नौ दुर्गा, आज दो तारीख थी नौ दुर्गा लग रहे हैं, खुले ना है तुम फिर भी ले जा तो फिर भैया दे दिए भैया हिसाब कर दो इनको। लग गए नौ दुर्गा, हाँ भैया आनंद आ रहा ना है, देख मेरे पिया जबते लग गए नौ दुर्गा और जाखन पे बोलो ए। हाँ भैया मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया जबते लग गए नौ दुर्गा और जाखन पे बोलो ए। लोटा चढ़ाऊं मैं तो मात पे, शांति बनाए रखे। हाँ साहब कोई बात नहीं, उनने आप शांति का दान देते रहे, प्रेम से होने दे कार्यक्रम को। चंद्रावल देख खाई गई खाई गई अभागी राड़, तेरे पीछे बाबा जी भयो। भैया भैया मैं निवेदन करूंगा आप ये मत करो, आपके गांव में हूं ये आपका शिष्टाचार है, आप कार्यक्रम को बड़े प्यार से आगे बढ़ाएं। हाँ है चंचल नैन तेरे मोहन, पंछी है ना जाने को कितकू देख बह जाएगा, और ऐसे ही उदम करो तो सबरो मजा किरकिरो
मजाक करो करो मत करो भैया, आराम तो चलन दो। आप जो गा रहे थे आपका मैंने जवाब देने का प्रयास किया। हाँ। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात में और आपकी बात में कितना अंतर है। है चंचल नैन तेरे मोहन, चितवन भी तेरी प्यारी है, चितवन भी तेरी प्यारी है, चितवन भी तेरी प्यारी है। जयपाल चाचा क्या बात है। घुंघराले बालों की मोहन, लट लट के कारी कारी है, घुंघराले बालों की मोहन, लट लट के कारी कारी है। तेरे इन कोमल कपोलन पे मैं तो जाऊं बलहारी है, मैं तो जाऊं बलहारी है, मैं तो जाऊं बलहारी है। और प्यार चाहूंगा आपका क्या है? अगर बात दिल तक पहुंचे। मैं तो जाऊं बलहारी है भैया, अधर अनधर भाई भैया भैया यार अधर अनधर मुरली बजा रहा वृंदावन बाते बिहारी, अधर अनधर मुरली बजा रहा वृंदावन बाते बिहारी, अधर अनधर मुरली। हाँ साहब अजी सुन रहे हो? रुक जा बेटा, ये पुरस्कार आया है नरेश स्टूडियो जट्टारी की तरफ से। आज का कार्यक्रम आपको सुबह यूट्यूब पर कुंवरपुर के नाम से, कुंवरपुर रसिया दंगल के नाम से एसबीबी स्टूडियो और नरेश स्टूडियो जट्टारी के द्वारा प्रसारित किया जाएगा आज सुबह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के तीसरे कलाकार के रूप में ये दोनों मौजूद हैं, इनका सम्मान बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, जिनके चैनल है जरूर सब्सक्राइब करियो, और इनके चैनल है और सब्सक्राइब कर लियो। बिल्कुल। सुना का कह रही है? अब मोजी लहंगा छोड़ा लग रो, अच्छा ना लग रो, मो तो कुछ और ही चाहिए। और का लेगी बता? लौंद पिया काले रंग की देख। हाँ। उधर से दो पक्षों की मलार गाई मुकेश भैया आपने, क्या बात है, दोनों पक्षों को गा गए आप, भगवान शंकर का सती का दोनों पक्ष आपने गा दिए। अब दो पक्षों की मलार में गा रहा हूं बराबर से आपकी। एक सूचना है, तारीख 3 अप्रैल का मुकाबला आपके पास के ही गांव कपूरा में अखाड़ा बी के मधुआ अखिलेश आकाश राया भीकम रसिया बैरक दल पीता बाबू अलीगढ़ वालों के मध्य होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के आप लोग कार्यक्रम का आनंद यहां भी कपूरा भी लेंगे परसों। हाँ, कपूरा में जरूर रहिए भैया। मेरे पिया, ओ मेरे पिया, ऐ मेरे पिया, मेरे पिया, ऐ मेरे पिया, ऐ मेरे पिया, मेरे पिया। और जयपुर ते लाए देओ लेगा रेली काका, मेरे पिया और जयपुर ते लाए देओ लेगा। और आप चाहे कितनो है, क्या बात है, ओ मेरे पिया, ऐ मेरे पिया, ऐ मेरे पिया, मेरे पिया और जयपुर ते लाए देओ लहंगा। और आप चाहे कितनो, अरे आबे चाहे कितनो महंगा, और नारो जम लटके झपा। कह रही
के जयपुर ते ला दूं लहंगा। जयपुर ते लहंगा ला दे मैं का दे। अरे इतनी दूर चल जा रही है तू, क्या बात है। एक बार हमारे त्यागी जी का ताली बजा करके अभिनंदन वंदन करें, स्वागत करें। एक बार ताली बजा करके भैया, बहुत पुरस्कार आ रहा है इनकी तरफ से, बार बार धन्यवाद। हाँ भैया, मैडम कह रही है मेरे पिया जयपुर से ला दो लहंगा, और आवे चाहे कितना महंगा, नारोजा में लटके झब्बा तारे। आज का रसियन में देखो और बी के मधुआ रसिया ऐसे गा रहे हैं, कोई रसिया ऐसे गा रहे हैं, और मस्ती ऐसी छाई रही है त्यागी जी नोट। सुने त्यागी जी तो नोट लाइवे में कोई कसन ना छोड़ रहे, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। पर हनुमान बार बार आता तो बेचारो चाहे एक नोट नहीं मिलो वही तक, और ना मिले वो नहीं खा देख नहीं। तू जयपुर भयपुर ते मत मकावे, तो मैं बढ़िया बात बता रहा हूँ, मैं लाऊंगा लहंगा। कहाँ से लाओगे? चिंता मत करे, ऐसा लहंगा लेके आऊंगा पूरी कैटरीना कैफ लगेगी। हाय हाय देख हो मेरी प्यारी, हो मेरी प्यारी, हो मेरी प्यारी, हो मेरी प्यारी, वृंदावन से लहंगा लाऊं। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, वृंदावन से लहंगा लाऊं। और देख अब ताली देखियो, हो मेरी प्यारी, हो मेरी प्यारी, वृंदावन से लहंगा लाऊं। और लहंगा भैया सही होए तो आशीर्वाद दे दियो। हो मेरी प्यारी, हो मेरी प्यारी, वृंदावन से लहंगा लाऊं, राधे राधे लिखवाऊं। मेरी प्यारी वृंदावन से लहंगा लाऊं, राधे राधे लिखवाऊं, राधे राधे लिखवाऊं, राधे श्याम की तो जे जे काए। चाहिए तो बता लहंगा, मुए लहंगा ऐसा चाहिए कि हाँ। पहले तो जाकर उनको बेस बढ़ा दो, परेशान है रात भर यार माँ चाचा। देख आए तार कसी की हो जड़ाई, हाँ जी दादाजी गौर करेंगे लहंगा कैसा चाहिए मुए। अरे तार कसी की हो जड़ाई, सुंदर बापे राधे होए कढ़ी कढ़ाई, चूनर पे राधे होए कढ़ी कढ़ाई, ओडू सब करें पढ़ाई, ओडू सब करें पढ़ाई, और नारो जम लटके जपा। हनुमान दे दी हूँ, बार बार ऐसे देख रहा हो जैसे बाजरा मुझे गोदुआ मोचो का मारो। हाँ अब ओके यो यार मंच पे हाथ मारो वे दे। हाँ दर्शन करके बिहारी जी के, हाँ दर्शन करके बिहारी जी के, और प्रेम ते प्यारी रह ले करे के, दर्शन करके बिहारी जी के, प्रेम ते प्यारी रह ले, और राधे राधे मंत्र को तू तो अपने मन में कह ले, राधे
पात्र को तू तो अपने मन में कह ले। अरे झूम रहे हो ब्रजधाम ये सारो, के झूम रहे हो ब्रजधाम ये सारो, तू भक्ति में फैले। झूम रहे हो ब्रजधाम ये सारो, तू भक्ति में बहले। और भैया आ जाए। अरे तू भक्ति में पहले, अरे गोवर्धन और वृंदावन की, गोवर्धन और वृंदावन की, गोवर्धन और वृंदावन की मेरे संग परिक्रमा दे ले मेरी प्यारी। के गोवर्धन और वृंदावन की संग परिक्रमा दे ले मेरी प्यारी। राधे के गुड़ में गाऊं, राधे के गुड़ में गाऊं, वृंदावन से लहंगा लाऊं, राधे के गुड़ में गाऊं, वृंदावन से लहंगा लाऊं, वृंदावन में हे रही जे जे कारे हे। के कृपा है हम पे गुरुओं की ज्ञान उन्होंने सिखाया। मुकेश भैया जा सुनते रसियाबाजी ना कर सकत कोई अशोक भैया जो तो तुम बार भैया ने पर टेक्निक ले ली है जब पा रहे हो मामलो। हाँ बेटा कृपा है हम पे गुरुओं की और ज्ञान उन्होंने सिखाया है। तभी तो नाम कवियों में तेरे मधुआ का छाया है। तभी तो पीके मधुआ को अर्राटो, पीके मधुआ को अर्राटो, रे पीके मधुआ को अर्राटो, बन के रक्षक हो इधर से गीत गाया। अब मुझे आप लोग आदेश दें कमेटी के एक फरमाइश एक लांगुरिया होना चाहिए बीच में दोनों पार्टियों की तरफ से। अब मैं लांगुरिया गाऊं क्या इनके गीत का जवाब दूं बताओ आप। फिर मुझे अपना भी तो गाना है कुछ। आप फिर ये ना कहें समय नहीं रहा आपका है। लांगुरिया गा दूं है एक दो मिनट में लांगुरिया और अपना गीत गाऊंगा मुकेश भाई। हाँ जी हेलो। हाँ साहब एक लांगुरिया मैं गाऊंगी नहीं गाऊंगी चिंता। अरे पीरी भीत बरेली लांगुरिया, अरे पीरी भीत बरेली डाको पर गयो रे लांगुरिया के डाको पर गयो रे लांगुरिया।
पीरी भीत पर ली डाको पर गए रे लांगुरिया डाको पर गए रे। लेकिन सास के भाई जब कोई ना हो आयो। हाँ भैया कह रही है, अरे सास के भाई जब कोई ना है आयो। देख मुकेश भैया थोड़ा संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारे ब्रज की संस्कृति से जुड़ा हुआ लगुरिया चल रहा है, समझे शब्दों का चयन। अरे ससुर के भाई जब कोई ना हो आयो, ससुर के भाई जब कोई ना हो आयो। लेकिन बैठिए जालन। अरे ससुर के भाई जब कोई ना हो आयो और जा सासु के भाई जगो आयो डाको पर गयो रे नागरिया डाको पर गयो रे नागरिया। और अरे जेठ के भाई जब कोई ना हो आयो, जेठ के भाई जब कोई ना आयो। रेली काका अरे जेठ के भाई, अरे जेठ के भाई देख। अरे जेठ के भाई जब कोई ना आयो और जिठनी के भाई जब आयो डाको पर गयो रे लागुरिया डाको पर गयो रे लागुरिया। देखिए यहां तक रहे आपके जवाब सवाल जो कुछ भी था, गीत का जवाब मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपना भी गीत गाना है। दिखावा साहब कार्यक्रम इस क्षेत्र में लगातार चार कार्यक्रम हो गए 5-6 किलोमीटर की रेंज में मुकेश भाई, और मैंने कोशिश की है हर कार्यक्रम में नया गाने की। आज भी एक नया गीत आप लोगों के चरणों में रखूंगा, उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगा। दिखावा साहब मेरा परदेसी ना आया। बड़े ही ध्यान से इस गीत को सुनेंगे, बहुत सुंदर गीत आया है। जयपाल गुरु और भक्त भी वही हो चलाए इस गीत को गाने का कहना है। कि मेरा परदेसी ना आया, कि मेरा परदेसी ना आया, बागों में फिर फूल खिले हैं के मन ही मन के वो मीत मिले हैं, पर वो पायदान नहीं निभाया मेरा।
से और हमारे ये हो भाग्य हमारे परम आदरणीय सुभाष भैया के पिताजी जयपाल चाचा गंगाराम खलीफा चमना खलीफा बड़ी बड़ी हस्तियां और स्वयं किशन गुरु जी बैठे हैं यहां, ऐसी ऐसी हस्तियां यहां मौजूद हैं। ऐसा कोई लेख नहीं जिसे रसिया वाले कवियों ने लिखा नहीं। रामायण भैये भागवत भैये महाभारत भैये कहानियां और पात्र वही हैं, लेकिन कभी जब कोई नया गीत लिखता है कासे कड़ी वासे विचार तासे तालमेल तीनों को मिलाकर बनती है कविता। रसियाबाजी उसे कहा जाता है। गायकी में होते नौ रस, रात्रि भर में नौ रसों का आदान प्रदान मंच पर हो जाए उस चीज को रसियाबाजी कहा जाता है। भैया ने पहला नंबर गाया व्यंग रस और श्रृंगार रस का, मैंने हास रस और श्रृंगार रस में जवाब दिया पहले नंबर का। भैया का नंबर आया श्रृंगार रस और वीर रस का एक गीत गाया उधर से। अब मैंने कुछ बातें हास रस श्रृंगार रस की गाई, ये करुणा रस की बात है मेरी। हर रस का प्रयोग पूरी रात्रि में हो उस चीज को रसियाबाजी कहा जाता है। बात तो समय की है, मेरा कहने का मतलब यह है कवि का बदलता है तो लिखने का तरीका बदलता है, शब्दों का चयन बदलता है। दशरथ जी ने मृग समझ करके जब तीर छोड़ा शब्दवेदी बाण छोड़ा तो वो श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार की जो मौत का आरोप था वो दशरथ जी के सिर पर लगा था। श्रवण घायल अवस्था में है, दशरथ जी ने मनुष्य के कराने की आवाज सुनी, दशरथ जी दौड़ करके श्रवण कुमार के समीप पहुंचे। श्रवण कुमार ने दशरथ जी की तरफ देखा, कहने लगा एक एक पंक्ति पर गौर करना, आप शांति के साथ सुनेंगे तो यह मेरा दावा है आपसे, एक एक व्यक्ति के हृदय के अंदर होकर के जाएगा यह गीत, आप 10-20 दिन तक इस गीत को भूलेंगे नहीं, सुनिएगा। अब कह रहा है वो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे मेरे, माता पिता अंधे मेरे, और मामा तेने मृग जानो मेरे तक के मारो तीर, और मामा तेने मृग जानो मेरे तक के मारो तीर, के जिंदगी में चार दिन का और बस झमेला जाएगा, के भाई बहन नारी सुता और न संग छेना जाएगा, के माल धन दौलत खजाना और न साथ देना जाएगा, और आया है हर बंदा अकेला और अकेला जाएगा, के आया है बंदा अकेला और अकेला जाएगा। अब कह रहे हैं वो श्रवण कुमार हो, 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 के मामा तेने जुलम गुजारो, के मामा तेने जुलम गुजारो, कि जल भर बे सरयू पे आयो, किने कौते ने तरस न खायो, के जल भर बेसर यू पे आयो, किने कौते ने तरस न खायो, मेरो चीर कले जाता मामा तेने
मात पिता तो नौ को मेरे मात पिता तो नौ को मेरे अब को धीर बंधावे मात पिता तो नौ को मेरे अब को धीर बंधावे तुमने तो मेरे तीर मार दिया अब को धीर बंधावे के प्यासे तड़प रहे हैं दोनों के प्यासे तड़प रहे हैं दोनों के अब को नीर पिलावे प्यासे तड़प रहे के कोई दिखे नहीं हमारो के मामा तेने जुलम गुजारो जल भर बे सरयू पे आयो के ने कौ तेने तरस न खायो मेरो चीर कले जाता बाबा तेरे जुलम करदारो बाबा तेरे जुलम कर और हे मामा के अंधे माता पिता है मेरे अदबर डूबी है नैया अंधे मात पिता है मेरे अदबर डूबी है नैया अदबर डूबी है नैया जामेंगे के तड़प तड़प के मर जाए जैसे बिन बछड़ा के गैया ओ तड़प तड़प के मर जाए के उनको टूटो आज सहारो उनको टूटो आज सहारो और अंतिम मंद में कह रहा है वो श्रवण कुमार मैं ही उनका तन और मन था मैं ही उनकी माया मैं ही उनका तन और मन था मैं ही उनकी माया के मैं ही उनकी माया मैं ही उनके देखे बुढ़ा ही उनके देख बुढ़ापे की था छत्र छाया मैं ही उनके देख बुढ़ापे की मैं ही छत्र छाया के मधुआ स्वर्ग से धारो के मधुआ
लिख के स्वर्ग से धारो क्यों के चल भर बे सरयू पे आयो के ने कौते ने तरस न खायो के ने कौते ने तरस न खायो मैं